रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वादा किया था कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तो लोगों ने सोचा था कि क्या यह संभव हो पाएगा। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको संभव कर दिखाया और आज राम मंदिर का कार्य पूरा हो गया है। वहीं विपक्ष लगातार भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करता हुआ नजर आता है। कभी राम को काल्पनिक तो कभी अस्तित्व पर सवाल उठता नजर आया। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं मैं, 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। जहां विपक्ष भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, आज वहीं विपक्ष अपना सुर बदलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इनके नेता भगवान राम का मजाक उड़ाते थे। अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें।